नमस्कार, आज एस जे एच सूरज ज्वेलरी शो में हम मिलेंगे मायरा डायमंड बूटीक के ऑनर से। सर बात करेंगे, सर आपका नाम? जी विकास जी, आज हम ये एस जे एच ज्वेलरी शो से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आपने हमारे जो वुमन्स हैं जो भी है उनके लिए क्या ये नया आपने लाया हुआ है? हम लोग लाइट ज्वेलरी में ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज आजकल हैवी कोई पहनना नहीं चाहता है, तो लाइटर ज्वेलरी जो थोड़ी फैशनेबल भी रहे, लाइटर ज्वेलरी जो थोड़ी फैशनेबल भी रहे और पहनने में इजी रहे, तो हम टारगेट वो करते हैं। जी और एक्सक्लूसिव ऐसा क्या है कि जो वुमन को पसंद आती है? हम लोग की रिंग्स और ब्रेसलेट्स। जी ये हम लोग सोच सकते हैं। जी तो आपको यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्ट आपने पहली बार लिया है क्या? हाँ, एस जी एस से फर्स्ट टाइम। जी तो आपको कैसा फील हुआ यहाँ पे, आपको ये स्टेज कैसा लगा, मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म कैसा लगा आपको? पोटेंशियल बायर काफ़ी आया, जैसे एकदम झूठ में नहीं आया, बट जो भी आया ना पोटेंशियल बायर। जी मतलब एग्जीबिशन में जो भी लोग आए हैं वो एक्सक्लूसिव लोग आए हैं ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है, एक्सक्लूसिव वुमन से आई है ऐसा हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी आप कोई भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या कुछ नया लाने वाले हैं? हम लोग इम्पोर्टेड ज्वेलरी लेकर के आ रहे हैं जो पूरे सूरत में नहीं मिले, ऐसा कुछ देख रहे हैं। लॉन्ग चेन्स में देख रहे हैं अपन, जो सूरत में कोई और स्टॉल पर नहीं मिलेगा, तो अपन वो फोकस करेंगे। जी बहुत ही बढ़िया बात है। मैडम आप कुछ हमारे वुमेंस के लिए बोलना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि एवरी वुमेन शुड वर्क एंड गो अहेड, दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया बात है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। जब वुमेंस कुछ बोलती है तो हमको तो आपको तो शांत रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, तो हम मिलते हैं। थैंक यू।